तुम्हारी बारी है हंसने की, ये लो। वाह, एक ही बार में दो पक्षी। तुम अब तक मुझ पे हंस रहे हो? मैं फिर करके बता सकता हूँ। चूक गया। ये क्या बात है? माफ कर दो भालू। ये देखो है ना कमाल, एक ही बार में दो मारे। मोगली, शिकार पर जाने से पहले मुझसे कुछ सीख तो लेते। लेकिन मैंने तो एक बार में दो पक्षी मारे। सुनो एक राज की बात, हवा में छिपी आवाजों को पहचानना सीखो। ये तो गलती से आ लगा। कोई बात नहीं, मगर याद रखो, जब पत्तों पर धीमे धीमे कदमों की आहट हो तो समझो खरगोश है, झाड़ियों में टहनी टूटने की आवाज हो वहाँ हिरण का बच्चा होगा। मेरी बात तो सुनो भालू, मुझे कुछ नहीं सीखना, ये चमत्कार है ना मेरे पास। पर अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है मोगली। नहीं भालू, मुझे किसी का डर नहीं जब तक ये मेरे पास है, शेर खान का भी नहीं। मोगली, क्या पाठ पढ़ा रहे हो इसे? ओ बगीरा, देखा तुमने, मैंने एक ही बार में दो पक्षी मारे हैं। वाह शाबाश मोगली। दखल मत दो बगीरा, मैं मोगली को हवा में छिपी आवाजों की पहचान सिखा रहा था, समझे? हवा की उल्टी दिशा में जाना चाहिए, अरे इससे बड़े बूढ़े भी धोखा खा जाते हैं। खुसट, मुझे बूढ़ा कहता है? ओहो, मैं किसी को बूढ़ा नहीं कहता। अरे ये बात तो सबको मालूम है कि आहट से पहले गंध आती है। गंध पहले नहीं आती, पहले आवाजों को पहचानना पड़ता है। गंध के बारे में सिखाओ, बुढ़ापे में बहरे हो गए हो तुम। होशियार मत बनो बगीरा, मैं बहरा हूं? तुम कान खोल कर सुन लो बगीरा, आखिरी बार कह देता हूं, मोगली को सिखा रहा हूं तुम्हें नहीं, समझे? तुम्हारे तरीके पुराने हो चुके हैं, उसे नए तौर तरीके सिखाओ। भाड़ में गए तुम्हारे नए तरीके। क्या हुआ माँ? मत मारो माँ, निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हमने क्या किया है माँ? मैंने कहा ना जाओ, चले जाओ। माँ हमारी क्या गलती है? ठहरो माँ, क्या बात है? माँ हमें ये गुफा छोड़ने के लिए कह रही है बिना किसी कसूर के। लेकिन माँ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं कहना, जाओ अपने अपने रास्ते। आज से तुम दोनों इस गुफा में नहीं आओगे। क्यों माँ? तुम चुप रहो, निकल जाओ, जाओ। पर माँ, कहा ना जाओ वरना पछताओगे। मारती क्यों हो? जाने के लिए कह रही हो तो ठीक है, पकड़ू और कोई रास्ता नहीं। नहीं नहीं माँ। अकड़ू पकड़ू। माँ क्या बात है, उन दोनों को क्यों निकाल दिया? वो बड़े हो गए हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। तो क्या हुआ, ये भी कोई बात है? हम सब तो एक ही परिवार के हैं ना माँ? क्योंकि यही है जंगल का कानून। जंगल का कानून? जंगल का कानून नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई बात है। हटो रास्ते से। हाँ? मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो।
वो तो एक माँ है जो अपने मासूम बच्चे की रक्षा कर रही है। ये तो सभा का बुलावा है। मोगली, क्या हमारे जाने के बाद माँ ने कुछ कहा? बोली यही है जंगल का कानून, पर मैं कुछ नहीं समझा। पता नहीं माँ हमसे इतनी नाराज क्यों हो गई। और हाँ, आज मैं और पकड़ू शिकार पर गए थे। मोगली, आज मैंने और अकड़ू ने अपना पहला शिकार किया और हम सीधा घर गए माँ को बताने। तारीफ तो की नहीं और घर छोड़ने को कहा। अकेले शिकार किया? माँ जानती है कि अब हम बड़े हो गए हैं। तो माँ हमसे नाराज नहीं थी, उसे पूरा विश्वास था कि अब मैं और पकड़ू अकेले रह सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मैंने एक ही बार में दो पंछी मारे, फिर भी माने। तुम सबके लिए खुशखबरी, अभी अभी पता चला है कि 50 भैंसे हमारे इलाके में घुस आई हैं। अभी दिन है, हम रात का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत दिनों के बाद बड़ा शिकार हाथ लगा है। जो बहादुर शिकार पर आना चाहते हैं आगे आएं। अकड़ू पकड़ू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खरगोश का शिकार नहीं? आज पकड़ू और मैंने अकेले हिरण पकड़ा है। बहुत अच्छे, तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। आज से अकड़ू और पकड़ू ये दोनों बालिक भेड़ियों में गिने जाएंगे। मैं भी जाऊंगा। मोगली, ये बच्चों का खेल नहीं, हम पक्षियों का शिकार करने नहीं जा रहे। चुप, तू भैंस का शिकार कर सकती है तो मैं भी। मोगली आओ बैठ जाओ। ओहो, आज डांट पड़ रही है माँ से। बहुत हो गया लीला। मगर वो तो खरगोश भी नहीं पकड़ पाएगा। सरपंच, मुझे आगे जाने दे, मैं भी शिकार करूँगा। मोगली, मैं बड़ा हो गया हूँ, शिकार करूँगा। तुम नहीं कर पाओगे मोगली। तैयार हूँ सरपंच। ठीक है, तुम भी आ सकते हो। ठीक है दादाजी, जैसी मर्जी, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि मैं उससे अच्छी शिकारी हूँ। तो तय हुआ, मोगली और लीला शिकारी बनेंगे। अकड़ू और पकड़ू, वो देखो वहां बीच में एक बछड़ा है और उसके दाएं ओर एक घायल भैंसा बैठा है, दाएं से तीसरा, वही है हमारा शिकार। चलो। तुम्हारी वजह से आज हमें शिकारी बनना पड़ा। चुप रहो, झुंड आगे बढ़ रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। यही दोनों है हमारे शिकार, पकड़ो। हम कमजोर का ही शिकार क्यों करते हैं?
मोगली सुना नहीं, हमले के लिए रास्ता खोलो। मैं कमजोर का शिकार नहीं करूंगा, उस मोटे को ही मारूंगा, दिखा दूंगा कि मैं बलवान हूँ। मोगली हमें रास्ता खोलना है, हटो। अभी दिखाता हूँ तुझे। मोगली अब तुम ठीक हो जाओगे। कितने बेंजे पकड़े गए? एक भी नहीं, सब तुम्हारी बेवकूफी के कारण। दर्द हो रहा है मोगली? चिंता मत करो लीला, वो ठीक है। चिंता? कैसे चिंता? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें शिकार पे कभी नहीं ले जाऊंगी, समझे तुम? मोगली समझ में नहीं आता तुमने इतनी बेवकूफी क्यों की। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मेरे बच्चे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। हाँ? तुम दूसरों से अलग हो, तुम्हारी भी हमारे जैसी खाल होती तो तुम्हें इतनी चोटें नहीं लगती, समझे मोगली? नहीं मैं नहीं समझा। क्या इसलिए कि मेरे शरीर पे बाल नहीं, तीखे नाखून या पैने दांत नहीं, क्या मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा? अगर ये बात है तो मुझे कभी भी शिकार पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, है ना? क्यों हम कमजोर और घायल का ही शिकार करते हैं? मैं अकेले बहुत बड़ा शिकार करूंगा और दिखाऊंगा सबको अपनी ताकत। तपाते ने किसकी गन सूंघ ली है? मोगली की तो नहीं? हाँ वही है। मैं यही रुकता हूँ, यही मिलेगा कोई बड़ा शिकार। अरे मोगली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबाकी तुम मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें चोट लगी है, डरो मत। मैं नहीं डरता, मैं शिकार कर रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। क्या संजोग है, मैं भी तो शिकार करने निकला हूँ। झूठन खाते हो। झूठा खाता हूँ? बच्चों तुम्हारी जैसी लजीज चीज अगर मिल जाए तो कभी कभी हाथ पैर चला लेता हूँ। डरपोक हो, पीछे से वार करते हो। शिकार में सब जायज है, मेरा यही नियम है। बच्चों तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, समझे? तुम नहीं बचोगे, हार मान लो। Yeah!
कहता हूँ चले जाओ। फिर हाथ से निकल गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं क्या करूं? कौन? ओह बघीरा, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो तबाकी? माफ कर दो, मैं यहाँ शिकार करने नहीं आया था बघीरा। ये कहाँ से टपक पड़ा? बघीरा मोगली, आज शिकार पर तुमने जो शेखी दिखाई मुझे सब मालूम है। मोगली तुम ठीक तो हो? हाँ बघीरा, तुम्हें पता है मोगली को चोट लगी है या फिर तुम उसका पीछा करते करते यहां पहुंच गए? अरे जाओ जाओ, बघीरा तुम्हारी तरह मोगली की दुम नहीं। लगता है मोगली की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई। शिक्षक के नाते इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हें चोट तो नहीं आई मोगली? नहीं। देखो, तुम्हारी गलत शिक्षा की वजह से आज मोगली की इतनी बुरी हालत हुई है। जंगल के कानून के बारे में इसे कुछ सिखाया कि नहीं? और क्या सीखना है? हैं? मुझे मालूम था सबसे जरूरी कानून तो तुमने सिखाया ही नहीं। मोगली, जंगल का सबसे पहला नियम, जीना है तो तंदुरुस्त रहो। ध्यान रहे कोई भी नस्ल नष्ट न होने पाए। ये मैं नहीं समझता। चुप रहो बघेरा, ठीक से समझाओ उसे। बहुत आसान है कहना कि केवल स्वस्थ और होशियार जानवर ही जंगल में रह सकते हैं। कमजोर और घायल जानवरों का जंगल में कोई स्थान नहीं। तो क्या ताकतवरों की नस्लें ही जंगल में पनपेंगी? अगर शिकारी ने सबसे ताकतवर भैंसा मार दिया तो झुंड कमजोर होता जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे शिकार के लिए क्या बचेगा मोगली? तो हम ताकतवरों को नहीं मार सकते? वाह मोगली, बहुत अच्छे, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। जंगल में हम सबको मेल मिला, प्यार और शांति से रहना चाहिए। दुश्मन हो या मित्र, सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान? जब तुम हर प्राणी से प्यार करना सीख जाओगे तब बड़े कहलाओगे। मोगली, मोगली कहाँ हो तुम? मोगली तुम ठीक तो हो? हम बहुत चिंतित थे, हमने तुम्हें जगह जगह ढूंढा। मोगली, ओ माँ, मैं सरपंच को बताता हूँ कि मोगली ठीक है। मैं बाकी सबको ये खुशखबरी देकर आता हूँ। लगता है अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। ओ, तो तुम शुरू से यहाँ नहीं थे बघीरा? मैं वक्त पर आया था इसे बचाने। तुम कहाँ थे बुढ़ाओ? बुढ़ाओ किसे कह रहे हो? आओ दौड़ लगाओ। बूढ़े हो गए हो बालू। क्या मतलब, मैं बूढ़ा हूँ? उम्र देखो। सुना है आजकल चूहा भी नहीं मार पाते? ओ बुड्ढे, कल ही जंगली सुअर पकड़ा था मैंने। वो छोटा सा सुअर का बच्चा। मोगली, एक दिन तुम्हें भी जाना होगा हम सबको छोड़कर अपना रास्ता ढूंढने, पर अभी नहीं, अभी समय है। हाँ मेरा प्यारा मोगली। ऐसे सूंघते हैं जंगल की गंध, नाक ऊपर करो और फिर हवा में खुशबू को परखो। जंगल की खुशबू? नहीं, ये तो शहर की खुशबू है।
अरे अरे मोगली, फिर भाग गया।